गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है मैं इसके भारतीय आप लोगों को स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट जीमेट्री और इसमें हम लोग आज कुछ गणित बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और uh, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में आपने पॉइंट इंटर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को पढ़ा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप अपने कॉपी को पलट के देखेंगे तो आपको मिला होगा स्लोप स्लोप दिया रहता है और इंटरसेप्ट दिया रहता है ठीक है है ना स्लोप और इंटरसेप्ट क्या क्या दिया रहता है स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म दिया रहता है जैसे ही मैं स्लोप और इंटरसेप्ट की बात करता हूँ स्लोप को कहते हैं इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट को वाई को जनरली सी से डिनोट करते हैं यही दो बात मैं बताया था और इससे एक इक्वेशन निकला था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यही था ना जिसमें जिसमें ये स्लोप को इंडिकेट करता है और ये वाई इंटरसेप्ट को इंडिकेट करता है ध्यान रखेंगे कौन सा इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट को इंडिकेट करता है इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट को को इंडिकेट इंडिकेट करता करता है है यस तो इसी इसी फॉर्मूला बेस्ड पे दो तीन क्वेश्चंस मैं बना दे रहा हूँ फिर बाद में लास्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लेकिन हर फॉर्मुले बेस्ड के अकॉर्डिंग दो तीन क्वेश्चन बन जाने से उस तरह का जो हम लोग डेरिवेशन किए हैं या जो फॉर्मूला ड्राइव किए हैं ये और अच्छा हो जाता है आप लोग क्लियर हो जाएगा तो उसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़िए क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कट ऑफ एन इंटरसेप्ट जो काटता है कट ऑफ मैंने काटना एन इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट काटता है माइनस फोर देखिए यहां पर माइनस फोर बोला है का मतलब माइनस डायरेक्शन में काटता है और किधर किस में काटता है वाई एक्सिस में जो बात मेंशन है उसको ध्यान से सुनिएगा ठीक क्या रहा है पहले फोटो बनाइए आप ये अक्ष ले लेंगे ये अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं अभी एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो वाई अक्ष तो ये है वाई अक्ष में माइनस फोर इधर आएगा कहीं पर है ना माइनस फोर यहां पर लिख देते हैं अपने मन से मैं मैं लिख दे रहा हूं यहां पर माइनस फोर ये है माइनस फोर यहीं पर कट कर रहा है साथ साथ और क्या बोल रहा है स्लोप का मान एक बटा तीन होना चाहिए स्लोप का मान कितना होना चाहिए एक बटा तीन यानी स्लोप पॉजिटिव है थोड़ा दिमाग लगाओ ना स्लोप पॉजिटिव है मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ कैसे भी खींच सकता था ऐसे भी खींच सकता था ऐसे भी खींच सकता था ये स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन का नाम मैं ए बी दे देता हूँ और इसका स्लोप दिया हुआ है एम एम बराबर दिया हुआ है स्लोप एक बटा तीन हमें जब इस तरह के स्लोप और इंटरसेप्ट पता होते हैं देखिए यही है स्लोप इंटरसेप्ट यहां से यहां तक को हम लोग सी कहते हैं और c बराबर दिया हुआ है माइनस फोर और इसी को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं ये c का मान पता है m का मान पता है जब हमें स्लोप पता होगा और y इंटरसेप्ट पता होगा तो हम आराम से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी तो सॉल्यूशन करने के लिए आप यहाँ फोटो ही बनाएंगे फोटो बना बनाया नहीं काम करना सबसे पहले फोटो बनाने सीखना है फोटो बनाने में ना आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो वाई को वाई रहने दीजिए वाई को वाई रहने दिया जाएगा एम, एम के जगह जगह पर पर है है रहने देंगे के प्लस, सी, सी जो इंटरसेप्ट करेंगे हम लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग अब देख सकते हैं कि आप इसको एल्सियम ले लीजिए एल्सियम ले लीजिएगा तो इधर हो जाएगा थ्री वाई एल्सियम लेके इधर भेज भी दिए हैं एल्सियम लेंगे तो थ्री वाई हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स और माइनस चार दिया बारह अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं एक्स को वाई को उधर भेजिए तो फाइनली आपके पास एक आंसर मिलेगा वो देखिए क्या मिलेगा ठीक है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो आई थिंक मेरे अनुसार से ये इक्वेशन अगर मेरा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है तो मेरे अनुसार से यही आंसर होना चाहिए ऐसे मैं अपने किताब में मैं चेक कर लेता हूँ एक्स माइनस थ्री वाई दिया है हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कहीं से भी पता कर लो कहीं से भी पता कर लो और स्लोप पता कर लो स्लोप और y इंटरसेप्ट अगर आपको पता हो गया तो बस आपका इक्वेश बन जाता है ठीक यहां तक हो गया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट विच इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट नया शब्द है <coughs> पहले इंटरसेक्ट को समझिए इंटरसेक्ट का मतलब काटना ठीक विच इंटरसेक्ट काटता है वाई एक्सिस वाई एक्सिस को काटता है एट ए डिस्टेंस ऑफ पांच यूनिट ठीक वाई एक्सिस को काट रहा है और कितना यूनिट पे काट कर रहा है कट कर रहा है यूनिट पे कुछ नहीं बोला है तो प्लस के डायरेक्शन बोल रहा है माइनस बोलता तो माइनस फाइव बोलता लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं बोला है चलिए पहले पहले ही मैं बोला था बिना फोटो के हम कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे आप क्वेश्चन पहले फोटो ड्रॉ करेंगे ये एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा तो वाई अक्ष में कितना इंटरसेप्ट काटना है पांच तो सोचिए यहाँ ओरिजिन है पांच यूनिट कहीं यहाँ आसपास होगा तो यहाँ पर मान लिया कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ और ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक पांच यूनिट ये पाँच यूनिट है अब स्ट्रेट लाइन इधर गुजर सकता है ये इधर भी गुजर सकता है अब सुनिए 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 इधर होगा कि इधर होगा वो तो बाद में पता चलेगा आपको इसके आगे पढ़ने पर ठीक है ओरिजिन साफ साफ लिखा है पांच यूनिट एब द ओरिजिन इस बात को ध्यान ही नहीं दिए साफ साफ लिख ही दिया है कि ओरिजिन के ऊपर लीजिए तो ओरिजिन के मैं ऊपर ले लिया पांच यूनिट ठीक है और दूसरा क्या बोलता an है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन किसे कहते हैं अगर आप स्लोप पढ़े हैं बहुत अच्छा है जाइए प्लीज अभी वीडियो को रोकिए और पहुंच जाइए स्लोप पे ठीक है वीडियो पॉज कीजिए और कॉपी पलटिए कहाँ जाना है स्लोप पे स्लोप पे पहले कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है अगर आप उसको समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है चलिए अब सोचिए मैं दो फोटो बना रहा हूं यहां पर दोनों फोटो लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा एक फोटो एक फोटो मैं दिखा क्या दिखा रहा हूं देख लीजिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं ये मेरा स्ट्रेट लाइन लिया दूसरा ऐसा भी हो सकता था लेकिन देखिए ये एक्स अक्ष को यहां कट किया और यहां एंगल बन रहा है आपको लग रहा है और यहां एंगल बन रहा है हाँ ये एंगल तीस डिग्री हो सकता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ तीस डिग्री हो सकता है लेकिन ये एंगल तीस डिग्री नहीं हो सकता है ये नब्बे डिग्री से बड़ा दिख रहा है सर ये पॉसिबल ही नहीं की होगा। नहीं लाइन होगा होगा इसलिए मैं बोलता कि बना बना के के अगर फोटो देखिएगा तो बहुत कुछ पता चलेगा ऐसे फोटो से बहुत कुछ है नहीं क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा लेकिन फोटो इसलिए बनाइए क्योंकि आने वाले समय में बड़े बड़े जब क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर फोटो बहुत मदद करेगा बहुत मदद करेगा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फोटो से आप फोटो देख के बहुत क्वेश्चन बनाने लग जाइएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फोटो से क्वेश्चन तुरंत बनाते हैं वो मेरा काम है चलिए इसको इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं अब ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं होगा मेरा चलिए ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से इसको हटाया यहाँ से इसको हटाया ठीक है यहाँ से इसको हटाया ठीक अब आइए सब हटा देते हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा सर ठीक हमारे पास सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन होगा ये यहाँ से जोड़ दिए ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये मेरे पास तीस डिग्री का एंगल बनाएगा इसी लाइन को ए बी कहते हैं अब तीस डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर इसका मैं टैन तीस निकालूंगा सबसे पहले टैन टैन 30 डिग्री निकालूंगा जिसे कि आप यहां एम बोलेंगे और टैन 30 का मान होता है वन बाई रूट थ्री है ना तो स्लोप मिल गया आपको और इंटरसेप्ट यहां से यहां तक पता है आपको पांच यूनिट पता है ना और वाई इंटरसेप्ट को ही सी कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है देख लीजिए वाई इंटरसेप्ट पांच यूनिट यानी सी बराबर दिया हुआ है पांच जब सी का मान पता है और ठीक है स्लोप का मान पता है तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से चलेंगे ठीक है क्या होता है वाई y y रहने दिया जाता है m को m का मान दिया हुआ है वन बाई रूट थ्री और एक्स को एक्स रहने दिया जाता है प्लस y इंटरसेप्ट का मान पांच है पांच रख देते हैं सॉल्व करने आता है कर लीजिए यहाँ हो जाएगा रूट थ्री वाई ठीक है क्या हो जाएगा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x प्लस फाइव रूट थ्री करेक्ट अब एक डायरेक्शन में कर लीजिए तो इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस रूट थ्री वाई प्लस फाइव रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो करेक्ट और आप देख रहे होंगे जो ये लाइन बना यही मेरा इक्वेशन होगा इसी के फॉर्मेट में हमें लिखना होता है ठीक है x माइनस रूट थ्री वाई प्लस फाइव रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो आप इसको सॉल्व करें यही हमारा फाइनल आंसर हुआ यही मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ बाबू क्वेश्चन बनाने एकदम अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन बढ़िया से बनना चाहिए कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन छूट रहा है आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो दो बातें हो सकती है या आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे या मेरी समझाने में कहीं कमी होगी अगर आपको इन दोनों बातों में से कुछ भी थोड़ा भी क्वेश्चन नहीं बनता है हमसे डिस्कस करना है हमसे डिस्कस करना है यदि हमसे आप डिस्कस नहीं करते हैं तो बहुत क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं आपसे मैं आपका फ्रेंड समझ करके आप हमें हमसे डिस्कस कीजिए मज़ा आएगा आपको मैं बोलता हूँ गारंटी देता हूँ कि आपको सिखा दूंगा ठीक है लेकिन डिस्कस कीजिएगा तब तो आप अपनी परेशानी बताइएगा तब तो कि हमें कहाँ समझ में नहीं आता है हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं हम क्या नहीं सोच पा रहे हैं बस यही काम तो मेरा है हम इसी के लिए तो आए हैं आपके पास ठीक चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं

अब कहता है माइनस फाइव बाई फोर कहीं होगा मान लिया यही है माइनस फाइव बाई फोर वाई एक्स में ले रहे हैं ये हो गया माइनस फाइव बाई फोर यहां पर कटेगा और कह रहा है ठीक है स्लो वन बाई टू स्लो पॉजिटिव है स्लो पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा तभी ना इधर एंगल छोटा बनेगा छोटा बनने की वजह से एंगल पॉजिटिव आएगा एम बराबर कितना होगा एक बटा दो और यहां पर जो इंटरसेप्ट दिया हुआ देख इंटरसेप्ट पता है देख लीजिए माइनस फाइव बाई फोर यहां तक पता है अब जैसे ही माइनस फाइव बाई फोर पता है हम इसको ऐसे बोलेंगे तो हम लोगों को सिंपल सा पॉइंट बाय फ्रॉम फ्रॉम क्या लिखेंगे क्या कहता है point slope form? कहता है है y is equal to mx plus c. y y ठीक को रहने दीजिए बराबर m का मान दिया हुआ है एक बटा दो एक्स प्लस सी का मान दिया हुआ है माइनस पांच बटा चार अब बताइए देखिए चार और दो कैल्सियम y इज इक्वल टू चार और दो कैल्सियम कितना हो जाएगा चार हो जाएगा दो दूनी चार टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव हो जाएगा हो जाएगा अब गुना कीजिए फोर वाई फोर वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव फाइनली अब देखिए इसको उधर ले आइएगा हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इज एकवल टू ज़ीरो और मेरे अनुसार से यही आंसर इसका सही होना चाहिए आप एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिएगा उम्मीद है कि नहीं होता है जनरली कैलकुलेशन मिस्टेक फिर भी आप अपने क्वेश्चंस का जवाब खुद से देखना है 2x minus 4y 2x minus 4y minus 5 is equal to zero एकदम करेक्ट है मैं बुक से मिला लिया सही आंसर है एकदम आपको बनाने आना चाहिए बस बाबू ध्यान रहे बनाने आना चाहिए यदि नहीं बन रहा है फिर बोलता हूँ क्वेश्चन जैसे ही आता है मैं बार बार इस पे आ जाता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में या आपके समझने में दिक्कत है इसी बात को समझिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसको भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा फाइंड आउट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप ऑफ माइनस वन पहले ही दे दिया यानी हम आप फोटो नहीं बनाते हैं सॉरी yeah, फोटो नहीं बनाते हैं ठीक है और uh, मैं चाहता हूँ इसका क्वेश्चन बिना फोटो बनाए कोशिश करता हूँ तो एम बराबर दिया हुआ है माइनस वन एंड कटिंग द इंटरसेप्ट फाइव ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फाइविस माइनस फाइव नहीं बोला लैंग्वेज <laughs> में लिख दिया घुमा के लिख दिया ठीक है माइनस फाइव बोलता था डायरेक्ट माइनस फाइव दिखता अरे भाई बोल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फाई एक्सिस का मतलब माइनस डायरेक्शन ही हुआ तो सी का मान दिया हुआ है माइनस फाइव ठीक इतना ही दिया इसी से बना सकते हो लेकिन फोटो बनाना चाहते हो फोटो बना लो लेकिन हम कहेंगे बार बार की फोटो बनाना जरूरी है ठीक है इसका ऐसे होगा देख लीजिए इसका फोटो ये वाई एक्स हुआ ये एक्स अक्ष हुआ तो कहीं ना कहीं कितना इंटरसेप्ट माइनस फाइव कट करेगा यहाँ पर और इसका ग्राफ इधर से इधर से बनाएंगे देखिएगा देखिएगा ऐसे इसका स्ट्रेट लाइन जाएगा क्यों क्योंकि तो ये एंगल जो स्लोप है वो नेगेटिव है स्लोप क्या है स्लोप स्लोप माइनस वन है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ऑप्ट्यू एंगल बनेगा और ये जो है आपके पास सी का मान है यहाँ से सी बराबर माइनस फाइव दिया हुआ है चलिए तो ये थीटा का मान है जिसमें स्लोप दिया हुआ है यहाँ पर एम का मान दिया हुआ है कितना माइनस वन तो आप इस तरह के इक्वेशन ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ ग्राफ का कोई जरूरी भी नहीं है क्या ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर कटेगा अरे नहीं कटेगा यार नहीं कटेगा ग्राफ बनाने नहीं बोला तुमको तो, 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 तो क्वेश्चन बनाने बोला बस वो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी बस सिंपल सा बात एकदम आसान है तो वाई का मान क्या दिया हुआ है वाई को तो वाई इक्वेशन का चीज़ है एम का मान क्या दिया हुआ है माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी का मान क्या दिया हुआ है माइनस फाइव यस सर बहुत अच्छा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस फाइव अब सॉल्व कीजिए इसको उधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो फ़िलहाल आपके पास ये बहुत ही अच्छा इक्वेशंस है ये इक्वेशंस आ गया और ये मेरा आंसर हुआ

हर एक डेरिवेशन सिक्वेशन के होंगे उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे फिर लास्ट में हम पूरा असाइनमेंट का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आपसे और आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे अगर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन छूटता है तो ये मेरी गलती है मैं आपका टीचर हूँ मैं अपने आप को गलती मानूंगा ठीक है और मैं छूटने नहीं दूंगा यदि आप मेरे बताए गए रास्तों पे चलते हैं या मेरे बताए गए जितने क्वेश्चन को बनाते हैं बन जाता है मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाकी आपका मेहनत बहुत अच्छा चलिए इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर में फिर से एक नए इक्वेशन के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच